हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएट वेल्थ विद तभी के साथ। तो हम आज बात करेंगे जो कि टेक्निकल भी सेटअप बहुत बढ़िया है, ठीक है, और पोर्टफोलियो भी स्टॉक है। तो हमने सोचा इसको एक बार डिस्कस किया जाए, ठीक है। हमने इसको ब्रेकआउट शेयर में भी ऐड किया हुआ है, जो वीकली ब्रेकआउट का हम एक वीडियो हर वीक हम देंगे, ठीक है, सैटरडे संडे में, कि हम नेक्स्ट वीक में क्या ट्रेड करेंगे, उसमें भी हमने इसको दिया हुआ है। लेकिन ये पोर्टफोलियो स्टॉक है तो हमने इसको सोचा कि कवर भी कर लें, ठीक है। हम बात कर रहे हैं शक्ति पंप की। तो एक बार आप इसका फाइनेंशियल देख लो। शक्ति पंप की फाइनेंशियल देखने से पहले आप एक बार इसका प्रोडक्ट और वो भी चीजें देख लो, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप इसकी प्रोडक्ट एंड कैटलॉग्स में देखो, आप पंप में आप देखोगे बहुत सारे टाइप्स के हैं। आप एक बार वीडियो ये वेबसाइट इनकी विजिट करोगे, आप देखोगे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इसमें मोटर्स में आप देखोगे डिफरेंट टाइप के मोटर्स हैं, ठीक है, कंट्रोलर्स हैं। उसके बाद आप देखोगे और ये और सबसे अच्छी बात है ये अपने आप को अपडेट करते जा रहे हैं। सोलर अभी पंप इन्होंने स्टार्ट किया, गांवों में आप देखोगे इनके सोलर पंप लग रहे हैं, ठीक है। अदर्स में आप देखोगे मैकेनिकल सील्स हैं, ठीक है भाई। अब हमें तो इतना पता नहीं है इन सारे प्रोडक्ट्स का, ठीक है, और भी बहुत टाइप के इनके पास पोर्टफोलियो है इनका, तो अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, ठीक है। सोलर कैलकुलेटर्स में क्या इन्होंने रखा हुआ है, ओके ओके, ठीक है ठीक है, ये वो है, क्या खर्चे वर्चे, ठीक है। तो आपने ये देख लिया, और उसके बाद हम एक बार ये देख लेते हैं कि क्या है इनका। वो ये शक्ति पंप इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पंप एंड मोटर एंड दियर स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद देखो इसका स्मॉल कैप कंपनी है, 1,347 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और एक अच्छी बात मैं देख के दंग रह गया कि ये देख रहे हो आप इसका 134.32% के CAGR से लास्ट 5 ईयर से प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन कर रही है कंपनी। तो आप समझ सकते हो कि इसका फ्यूचर क्या होगा और ये किस लेवल तक जाएगी। आप देखोगे तो सेल्स में आप देखोगे 2006 में 40 करोड़ से इन्होंने स्टार्ट किया था, और आज 930 करोड़ की एनुअली ये सेल्स कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, मतलब स्पीड इनकी क्या है। आप देखो कई टाइम्स हो गया, मल्टीपल टाइम्स हो गया इनका सेल्स, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो 5 करोड़ हुआ करता था, आज वो 142 करोड़ का है, ठीक है। इसको मत ध्यान दो, ये तो बहुत बुरा वक्त था, ठीक है। और अभी जो मार्च का जो इनका होता एनुअल जो होता वो 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ठीक है, हाईएस्ट एवर के आसपास ही था, ठीक है। थोड़ा सा ये सिचुएशन जो 2 साल ऐसे ही चले गए तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई, नहीं तो ये हाईएस्ट। और आप एक चीज देखोगे ना, ये स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल में 33% का CAGR दिया है, बिलीव करो आपके पैसे को कई गुना कर दिया इसने। शेयर कैपिटल बहुत कम है, 18 करोड़ का इनका शेयर कैपिटल है, इसलिए आप समझ रहे हो ना डिमांड कैसे होगी मार्केट में। रिजर्व आप 6 करोड़ से इन्होंने बढ़ा के 322 करोड़ कर दिया, बोरोइंग 194 है, कोई बात नहीं, तो भी इनके पास काफी रिजर्व बन जाए बच जाएगा अगर बोरोइंग को, क्योंकि ये अभी सोलर में काफी आगे अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि जो भी पंप वगैरह है वो सिंचाई उचाई के क्षेत्र में। तो उसे मैं अभी गाँव पे गया हुआ था, मैंने देखा ये चीजें कि कैसे सोलर पंप लगे हुए हैं खेतों में, ठीक है। प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है क्योंकि इनको विश्वास है भाई कि हम आगे बहुत अच्छा करने वाले हैं, 54.66%। FIs ने भी भाई दबा के माल उठा लिया 2.64%, ठीक है, और DIs के पास 1.9। उसके बाद पब्लिक के पास आप देखोगे तो पब्लिक के पास भी मान लो ये 3.567% उसके बाद जो भी है 41 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो पब्लिक के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, तो कुल मिला के कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है, कोई कहीं से मतलब आपको डाउट नहीं फील कर सकते हो। अब एक बार फिर से हम इसका इस वीडियो में इसका शक्ति पंप का टेक्निकल देख लेते हैं कि क्यों बाइंग लेवल पे ये आ रहा है।
ठीक है। ठीक है, जो ब्रेकआउट हुआ था उसको यहां पे भी सपोर्ट ले रहा था। यहां देखो ब्रेकआउट हुआ, उसी लेवल को सपोर्ट ले रहा है चिको फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब प्रीमियम मेंबर ग्रुप में मिलते हैं ये सब चीज़ें सीखने को, ठीक है। लेकिन हम एक फैमिली मेंबर्स हैं और हम चाहते हैं अपनी हमारी फैमिली मेंबर लर्न करे, अर्न करे, और दूसरों को भी आप अर्न कराओ, ठीक है। तो इसलिए जितना से जितना हो सके इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि एक हम बहुत बड़ी फैमिली बने और अपने देश की इकोनॉमी में थोड़ा बहुत योगदान हम भी दें। तो आप देख रहे हो ना ये पैटर्न, अब आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। थर्टीन परसेंट का सीम उसी लेवल से चला था, ठीक है। 13% यहाँ पे है, ठीक। लेकिन मुझे लग रहा है फ्रेंड कि अच्छा कंसोलिडेशन हो गया, ठीक है। और ये अपना ये हाई को क्रॉस करेगा, 23-25% रिटर्न है। देखो फ्रेंड्स ये फंडामेंटल तो बढ़िया है, और ये स्विंग ट्रेड आप इसको मान के चलो, क्योंकि ये अभी यहाँ से ये इसने ब्रेकआउट जो इस लेवल से दिया था यहाँ पे, तो 26 अगस्त सितंबर 1 मंथ ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो 1 मंथ और लग सकते हैं, ठीक है। 1 वीक में ये टारगेट अचीव हो सकता है, ठीक है ना। तो आप देखोगे जैसे यहाँ पे हुआ था 25 जून को ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद 12 जुलाई, ठीक है, फिर इस लेवल में आने में इसको 19 जुलाई लगा, ठीक है। तो वही आसपास की रेंज चल रही है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो, और एक चीज आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही बढ़िया सेटअप बन रहा है, इसलिए ये मेरे रडार पे ये आया था, ठीक है। यहाँ भी आप देखो आपका यही स्टॉप लॉस हो जाएगा, अगर आप स्टॉप लॉस लेके चलना चाहते हो 690 का, ये आप स्टॉप लॉस लग को 700 से लेके 690 तक का, ठीक है। तो क्योंकि एक बार ऑपरेटर इसको स्टॉप लॉस काटने के लिए एक बार नीचे की तरफ बैक मार सकता है, इसलिए थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस लेके चलो। तो ये है, ये आपका आप देख रहे हो, तो ये बहुत ही बढ़िया सेटअप बन रहा है, बाइंग लेवल भी बन रही है। तो और बाकी ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप देखिए, सीखिए, और जो नहीं समझ में आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में करके आप मेरे से पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा। और कोई अगर मेरे से कहीं पे भूल हो रही है या कुछ मिस्टेक्स हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको आपसे भी कुछ लर्न करेंगे, ठीक है। तो सब मिलके हम लोग लर्न और अर्न करते हैं और अपने देश की इकोनॉमी में बहुत ही बढ़िया योगदान देते हैं, ताकि हम भी बस न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, और वो एक मूवी का डायलॉग है ना कि गाली देते रहे एमपी एमएलए और सबको, भ्रष्टाचार है ये, कुछ करते नहीं है, तो हम भी तो कुछ करें, ठीक है ना। तो जॉब वगैरह अपने कंटिन्यू रखिए, और इसमें टाइम टाइम इन्वेस्ट करिए, और जब आपको लगे कि नहीं अब आप परफेक्ट हो गए हैं तो फिर आगे के बारे में सोचिएगा, ठीक है। और हाँ एक चीज़ आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी एक स्टॉक में अपने पैसे मत इन्वेस्ट करिए प्लीज। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है ना, तो उसको आप 5-5% करके मल्टीपल स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। उससे क्या होगा फ्रेंड ना, आपकी ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं, मान लीजिए आपने शक्ति पंप आदमी देखा, सच में बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव लग रहा है, ये जो सेटअप बन रहा है बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल है। तो अब ऐसा नहीं कि इसी में सारे पैसे हम डाल दें, 1 लाख रुपए है मेरे पास, मैं इसी में डाल दूं, पता चला मार्केट है कुछ बैड न्यूज आ गई, कुछ भी आया, सारा टेक्निकल फेल हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हम लेके उसको बैठे हैं, अरे यार जा नहीं रहा। बट फ्रेंड जब हम इसी को अगर 5-5% अगर हम करके करेंगे, तो 10 स्टॉक्स में जो हमारे पैसे लेंगे ना, 10 से 15, तो वो क्या होगा कि
रोटेशन चलता रहेगा। देखो हमारा प्रॉफिट ग्रोथ तो ही आता है, लेकिन हमारा रिस्क वहां पे कम हो जाता है, फिर हम नहीं तो टेंशन में आ जाते हैं। एक शेयर है हैथवे और डेन नेटवर्क, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, रिलायंस ने एक्वायर किया था, उसके बारे में बहुत सारे लोग कमेंट डाल रहे हैं ट्विटर पे भी और भी जगह की, चल नहीं रहा है, ये है वो है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखिए और सीखिए आप लोग, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी दबाइए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, जय हिंद जय भारत।